तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम पढ़ेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर। और पियाजे ने चार भागों में इन संज्ञानात्मक स्तर को बांटा है। पहला जो भाग है वो है इंद्रियानुगतिक, इसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। यानी कि 2 वर्ष तक के बालकों की जो अवस्था होती है वह होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें जो बालक होता है वह अपने संवेदी अंग, जो सेंसेस होते हैं, जो उनकी इंद्रियां होती हैं, जैसे कान, आँख, नाक, तो इन सभी का यूज़ करके निरीक्षण करके सीखता रहता है। अगर आप किसी भी बच्चे को कोई पिक्चर दिखाएंगे, कोई वस्तु दिखाएंगे, कोई टॉय दिखाएंगे, तो वह उसका जो पिक्चर है वो अपने माइंड में सेट कर लेता है, उसकी जो छाप है वो अपने माइंड में सेट कर लेता है। और अगर आप उस वस्तु को छुपा भी देंगे तो वह उसे आसानी से ढूंढ निकालेगा। तो यदि आप एक खिलौने को किसी कपड़े के नीचे भी छुपा देंगे तो वो भी उसका पता लगा लेगा। तो यही एक संवेदी अंग के द्वारा सीखना ही संवेदी प्रेरक अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। सेकंड जो अवस्था है विकास की वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा भाषा का उपयोग करना सीख जाता है। दूसरा, सभी चीज़ों को सजीव मानना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि अगर किसी को मारते हैं तो दर्द होता है, तो वह हर वस्तु को भी यही सोचेगा, अगर हम उसे मारेंगे तो उसको भी दर्द होगा। दूसरा, उसमें अहम स्टार्ट हो जाता है, अहम केंद्रित हो जाता है, अहम केंद्रवाद हावी होता है, जिससे क्या होता है कि वह बच्चा यही सोचता है कि जो भी वह मानता है, वह जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। और तीसरा जो है केंद्रण, यानी कि सामने जो वस्तु होती है उसी के भाग पर वह ध्यान देता है, जो भी सामने होता है वह उसी पर ध्यान देता है और इसके अलावा किसी पर भी उसका ध्यान नहीं होता। तो इसी तरह के ये विशेषता है इसकी। तो ये है पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट जो है तीसरी जो अवस्था है वो है स्थूल व्यवहार, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं से, और यह 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के ऊपर ही चिंतन करते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं का मूर्त रूप है उन्हीं को समझते हैं, उन्हीं पर चिंतन करते हैं। जैसे कि किसी रास्ते पर बच्चे को रोज हम स्कूल ले जा रहे हैं तो वह उसी रास्ते पर जाते हैं, डेली उसी रास्ते पर जाते हैं। और किसी भी दिन ट्रैफिक होने के कारण वह अगर रास्ता दूसरा ले लेते हैं तो बच्चा उलट पुलट के कारण समझ जाता है कि ये दोनों रास्ते उसके स्कूल के ही हैं। जब तक आप उस रास्ते पर नहीं जाते हैं तब तक उसको पता नहीं चलता कि वो रास्ता भी स्कूल जाता है। तो वह तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे जब उनके सामने उस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण होगा, जब उसकी मूर्ति उसके सामने उसको शो की जाएगी। तो मूर्त चिंतन के आधार पर इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया गया है। इसमें बच्चे कम अहम केंद्रित और अधिक सामाजिकृत बात करते हैं, यानी कि इस अवस्था में बच्चे यह बात समझ जाते हैं कि उनकी कही सारी बात सही नहीं हो सकती। जैसा कि हमने पहले वाले अवस्था में पढ़ा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसमें बच्चे अहम केंद्रवाद होते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो वो बात सोच रहे हैं वही सही है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं है, उन्हें पता चल जाता है कि हर बात जो वह सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वह सही हो, वह गलत भी हो सकती है। तो इसी आधार पर इसको मूर्त संक्रियात्मक नाम दिया गया है। आगे हम बात करेंगे चौथा, औपचारिक व्यवहार, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है या 11 वर्ष से ऊपर होती है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, तार्किक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है और
अपने सामने किसी वस्तु को रखा हो या ना रखा हो, अब उसके लिए जो चिंतन है वो मूर्त तक सीमित नहीं रहता बल्कि अमूर्त चिंतन की ओर वह बढ़ जाता है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉल दिखाकर ही उसको ये बारे में बताया जाए। अगर आप सिर्फ बॉल बोल देंगे तो उसके माइंड में वह पिक्चर अपने आप शो हो जाएगी। तो आपको मूर्त चीज़ नहीं रखनी है, अब वह अमूर्त के लिए भी तैयार हो चुका है। तो इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके कुछ विशेषताएं सांकेतिक रूप में मानसिक व्यवहार या संकार्य लगते हैं। वस्तुओं की तरह प्रत्ययों पर व्यवहार निष्पादित होते हैं। स्थूल वस्तुओं एवं घटनाओं की अपेक्षा प्रत्यात्मक अंतर वस्तु से तुलना परस्पर विरोध खोज एवं अनुभव करने लगता है। तो इसमें बच्चा थोड़ा समझदार टाइप का हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको औपचारिक व्यवहार यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है। अब ये चार अवस्थाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो अवस्था है वो है इंद्रियात्मक यानी कि संवेदी, इंद्रियानुगतिक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था। तो ये आप ध्यान रखिए, उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो इन चारों को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, एक ट्रिक है जो मैंने बनाई थी याद रखने के लिए, वह है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो ये पियाजे से कहा जा रहा है कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने से हो गया संवेदी, पूरी का मतलब हुआ पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति का मतलब हुआ मूर्त संक्रियात्मक, और आपकी का मतलब हुआ औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम आगे बढ़ेंगे बालक का संवेगात्मक विकास की ओर। तो संवेग यानी कि इमोशन क्या है, संवेग का अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पत्ति करना, हिला देना, उत्तेजित करना या भड़क उठना। व्यक्ति की उज्जैतित उद्वेलित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। संवेग की परिभाषा देखते हैं। संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है और इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। यह कहना है पीटी यंग का। जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं, संवेग शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती हैं। संवेग के प्रकार, संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग, इन्हें सुक्कर संवेग भी कहते हैं, जैसे प्रेम, आमोद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, जो हमें सुख का आनंद यानी कि सुख का महसूस करवाते हैं, वह सकारात्मक संवेद हैं। और दूसरे हैं नकारात्मक संवेद, इन्हें दुखी, दायी या कष्ट कर संवेग भी कहते हैं, जो हमें कष्ट पहुंचाएं वह नकारात्मक संवेद कहलाते हैं, जिसमें क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि हैं। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने 14 प्रमुख संवेग बताए हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कितने संवेग हैं, मैकडूगल और गिलफोर्ड के द्वारा 14 प्रमुख संवेग हैं। ये हैं क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार, भावना, भूख, कृति, भाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता, घृणा और आमोद। डेकार्ट ने 6 प्राथमिक संवेगों को माना है, प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक। स्पिनोजा ने 3 प्राथमिक संवेगों को माना है, हर्ष, शोक और इच्छा, और जॉर्गेंसेन ने 6 प्रकार के। तो आप मैकडूगल और गिलफोर्ड के 14 संवेग याद रखिए। तो और जॉर्गेंसेन ने 6 प्रकार के हैं, भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध, लज्जा आदि। वॉटसन ने केवल भय, क्रोध और प्रेम को प्राथमिक संवेग माना है, और ऐसे ही सैंड ने 7 प्राथमिक संवेगों की चर्चा की। और जैम के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग।
शैशवावस्था और संवेग के बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, यह आप ध्यान रखिए। जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। 3 मास का शिशु आनंद और क्रोध का अनुभव करता है। लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है, ये आप ध्यान रखिए। शैशवावस्था समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था और संवेग में जान लेते हैं संबंध। बाल्यावस्था में पूर्व अवस्था की उत्तेजना स्पष्ट संवेगात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होने लगती है। बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। वाटसन के अनुसार बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षाकृत ज्यादा ईर्ष्या होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। किशोरावस्था और संवेग का संबंध, पूर्व किशोरावस्था संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से संघर्ष और तूफान का काल होता है। तो किशोरावस्था में जो संघर्ष और तूफान का जो काल होता है वो किशोरावस्था का ही काल होता है। इस अवस्था में उसके मन में असुरक्षा और सामाजिक मान्यता की समस्याएं उलझने पैदा करती हैं। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को समस्याएं उलझने पैदा होती हैं, सामाजिक मान्यता की असुरक्षा फील करता है वह? तो वह जो अवस्था होगी वह किशोरावस्था होगी। इसके बाद हम बात करेंगे बालक का बौद्धिक विकास। तो शैशवावस्था और बौद्धिक विकास, मानव विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रिया है। 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनियां एवं तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्द बोलता है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मानसिक विकास की गति शैशव काल में सबसे अधिक तीव्र होती है, ये आप ध्यान रखिए। मानसिक विकास की जो गति होती है वह किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशव काल में। बालक प्रथम 6 वर्षों में बालक के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, ये गैसेल का कहना है। बाल्यावस्था और बौद्धिक विकास, सूक्ष्म एवं तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। इस काल के अंतिम वर्षों में कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो अमूर्त चिंतन बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। 7 वर्ष के बालक में 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। 8 वर्ष का बालक 6-7 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। नेक्स्ट है बालक का क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताएं एवं कौशलों का विकास होना है। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल में तीव्रता से विकास होता है। स्थूल क्रियाओं में बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, उछलना, फेंकना आदि क्रियाएं आती हैं। आगे है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, पेंटिंग करना, उपकरणों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि आते हैं। 6 वर्ष तक की अवस्था तक मस्तिष्क का विकास 90% तक पूर्ण हो जाता है। बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर मुख, गर्दन, धड़ एवं पैर। तो यह सिर से पैर की ओर ही होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यही कारण है कि बालक पहले आंखों को घुमाना, सिर को हिलाना सीखता है और बाद में चीजों को हाथ से पकड़ना सीखता है और सबसे अंत में खड़ा होना एवं चलना सीखता है। एमएस शल्ले तथा एमबी मैग्रो ने बालक के जन्म से लेकर खड़े होने तक की 16 विकास अवस्थाओं का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, एम्स ने क्रियात्मक विकास की केवल 14 अवस्थाएं ही बताई हैं और हलवर्सन ने वस्तुओं को ठाने संबंधी क्रियात्मक विकास में
10 अवस्थाएं बताई हैं। हाथ के प्रमुख क्रियात्मक कौशल, 4 माह के शिशु के सामने कोई गेंद रख दी है जाए तो वह उन्हें केवल देख सकता है मगर छू नहीं सकता। स्पिट्स के अनुसार 6 माह का बालक आंखों एवं हाथों में अच्छा समन्वय स्थापित कर लेता है। 2 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से भोजन करना सीख जाता है। तो 3 साढ़े 3 वर्ष का बालक शर्ट पैंट पहनना सीख जाता है और 5-6 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और पॉइंट्स, कुछ और टॉपिक्स। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।